जैसा आप लोग जानते हैं कि 21 जून को पटना में राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक पंचवटी रत्नालय में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें करीब 4 से 5 करोड़ के स्वर्ण एवं अन्य आभूषण और 13 लाख नकदी की रिपोर्ट हुई थी। ये गंभीर घटना थी और दिन के समय हुई थी, इसलिए पुलिस मुख्यालय और पटना पुलिस दोनों ने इसको जो है एक चुनौती के रूप में लिया और तब से लगातार इस पे उद्भेदन के प्रयास किए गए। तत्काल सीनियर एसपी पटना ने और डीआईजी सेंट्रल रेंज ने मिल करके इसकी एक टीम बनाई ताकि उद्भेदन के लिए हर पहलू पर अनुसंधान किया जा सके, चाहे वह ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनुसंधान हो। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की भी मदद ली गई, अन्य माध्यमों की भी मदद ली गई। तब से लेकर अब तक लगातार लगे रहने के प्रयासों के फलस्वरूप इस कांड का उद्भेदन हो सका और ये सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। कल 3 अभियुक्तों की, इस बीच में एक तो सबसे पहले हुलिया वगैरह के आधार पर गिरोह की पहचान की गई और ये गिरोह की पहचान की सत्यापन इस तरह से भी हुआ कि उस गिरोह के मुख्य सदस्यों के कांड से पहले और कांड के बाद की गतिविधियों में भी ये आभास मिला कि इस कांड में संलिप्त होंगे। तो सूचना के आधार पर और गुप्तचरों की तैनाती और अन्य माध्यमों से जो संकलित साक्ष्य पर लगातार रेड छापामारी चल रही थी, कल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसका मुख्य सूत्रधार और गिरोह का मुख्य कर्ता धर्ता रवि गुप्ता, विकास कुमार माली और सिपू कुमार, इन 3 की गिरफ्तारी हुई और लूटे हुए सामान की काफ़ी हद तक बरामदगी हुई है, जिसमें करीब 3.25 किलो स्वर्ण आभूषण हैं बरामदगी में, चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान करीब 1.25 किलो हैं, इनकी बरामदगी हुई, प्रेशियस स्टोन्स करीब 300 ग्राम, 6,30,000 रुपये नगद और घटना में जो बाइक प्रत्युत की गई थी एक, वह बैग जिसमें जाए सामान ले गए वह, 3 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस इनकी बरामदगी हुई है कल और आज की रात्रि के बीच में है। अभी भी इस पर छापामारी जारी है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहचान के लिए प्रयासरत हैं। ये जो अभियुक्त हमने बताए ये पूर्व से भी जो है कई कांडों में संलिप्त रहे हैं। पिछले वर्ष रामकृष्ण नगर में एक डकैती हुई थी जो बहुचर्चित थी और एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान से दिन दहाड़े बाईपास पर गोलीबारी की गई थी और गर्दनी बाग में डकैती से हत्या किया जाए राज ट्रेडर्स के मालिक बंटी गुप्ता की हत्या हुई थी और उनकी दुकान में डकैती हुई थी, उसमें भी यह गिरोह संलिप्त था। इसके अलावा कई अन्य कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है और पड़ोसी राज्य में भी इनकी गतिविधि देखी गई है। अभी तक के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रवि गुप्ता 16 कांडों में पटना के, ये अभी पटना के मिले हैं, इनके अलावा और भी जा रहे हैं कि कहां कहां के हो सकते हैं। विकास कुमार माली 20 कांडों में और सिपू कुमार 2 कांडों में संलिप्त पाए गए हैं। इनके अलावा अभी भी इसकी गिरफ्तारी अनुसंधान चल रहा है, छापामारी चल रही है, निकट भविष्य में ही और नज़दीक में ही और भी उपलब्धि की उम्मीद है।